अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस के इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने स्कैनफ फंक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स एंड विद एग्जांपल। आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है प्रिंटएफ फंक्शन को, ठीक है। तो प्रिंटएफ एक आउटपुट फंक्शन है, इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन मतलब उसमें उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसके सिंटैक्स में यूज होने वाले कंपोनेंट और विद एग्जांपल, ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। अब ये याद रखना, प्रिंट एफ फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है। अब इसका काम क्या होता है, printf function is used to print text and values on the screen in specified format. यानी के कोई भी text या value screen पे display करवाना किसी भी एक specific format में। यानी के आप इस तरह कह ले इसको कि ये एक output function है और output screen के ऊपर जितना भी data display होता है after processing वो इसका काम होता है प्रिंट एफ फंक्शन। यानी कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रिंट एफ फंक्शन का ये रोल होता है कि उसकी जो फाइनल आउटपुट आनी है उसके लिए यूज होता है। इसमें भी अब हमारे पास चार किस्म का डेटा टाइप होता है ना, इसमें इंटीजर और फ्लोट टाइप के डाटा के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसका सिंटेक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिंटेक्स जो है। प्रिंट एफ ये तो कीवर्ड है, ये हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दो चीजें आती हैं इसमें, दो पार्ट्स हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद एक चीज आती है हमारे पास, कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद ये कंट्रोल अंडरस्कोर स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद एक जो चीज आती है हमारे पास वो ये आती है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स देखते हैं क्या होता है और कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है कंट्रोल स्ट्रिंग। अब इसमें हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग में वो चीजें आती हैं जो सेम एज इट इज हमने डिस्प्ले करवानी हो, और वो डबल कोट्स में आती है, याद रखना। कंट्रोल स्ट्रिंग एक स्टेटमेंट होती है या एक सेंटेंस होता है जो एज इट इज हमने डिस्प्ले करवाना होता है, वो एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रीन पे। जैसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 25। अब देखिए 25 तो वैल्यू आ गई, लेकिन इससे पीछे जो हम बोल रहे हैं ना कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वेरिएबल ए एंड बी, ये क्या है, पूरी एक कंट्रोल स्ट्रिंग है। इसको डबल कोट्स में लिखते हैं और एज इट इज वो लिखी जाती है। जैसे लेट्स सपोज हम लिखते हैं इधर प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ ए इज कुछ भी परसेंट, वैल्यू में नहीं पता था, जब पता नहीं होती तो उसकी जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा देते हैं डी, एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी, और इसको क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है एक पूरी डिटेल लिखने के बाद, क्योंकि जो यूजर होता है उसको बताने के लिए इसमें एक डिटेल, कंप्लीट डिटेल लिखनी पड़ती है, वैल्यू ऑफ ए ये है, वैल्यू ऑफ बी ये। इसमें देखिए हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, क्योंकि वैल्यू हमें नहीं पता थी, वो आप प्रोसेसिंग के बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे, तो जो भी उस टाइम वैल्यू आएगी वो उसकी जगह आ जाएगी। इसी तरह एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज टी, तो आप ये एज इट इज जब आउटपुट होगी तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज लेट्स सपोज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 5। तो बाकी जो चीजें होती हैं परसेंटेज डी, चलो एक कोड है, उस कोड की जगह उसकी जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो आ जाती है, बाकी जो डबल कोट्स में लिखी हुई चीज आती है वो एज इट इज वहां पे डिस्प्ले हो जाती है।
तो जो भी डबल कोट्स में आपने चीज लिख के एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी होती है उसको कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। अब इसके साथ इसकी दूसरी चीज आती है, सेकंड स्टेप, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। यहां पे कौन से वेरिएबल थे, एक ए और एक बी। हमने ये कहा है ना कि वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी। इसका मतलब है कि दो वैल्यू वेरिएबल हमारे पास, एक ए और एक बी, उन दोनों वेरिएबल को हम कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर उसको कॉमा के बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स में लिख देना। बस ये होते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो समझ आ गया इसका सिंटैक्स। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है कि वो स्ट्रिंग या वो सेंटेंस जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं जो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है, और कॉमा के बाद जो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स वो चीज वो वेरिएबल्स होते हैं जो इसमें यूज हो रहे होते हैं, जिनकी वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन, ये था इसका सिंटैक्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल, सेम वही सिंटैक्स जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्कैनफ के लिए, सेम इसमें भी ये होगा कि आप अगर यहां पे लेते हैं इंट, यहाँ पे कोई भी तीन वैल्यू ले लें, ठीक है, और उनका एवरेज फाइंड कर लें। एक वैल्यू आप ले लेते हैं ए, एक ले लेते हैं बी, एक ले लेते हैं सी। ये अब इनकी फाइंड क्या करनी है आपने, एवरेज। तो एवरेज आपको पता होगा कि हमेशा किस में आती है, फ्लोट में आती है, क्योंकि वो पॉइंट में होती है। हम एवरेज लिख लेंगे। उसके बाद अब एवरेज फाइंड करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सम। सम इज इक्वल टू ए बी एंड सी, तीनों वैल्यू को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने थे, थ्री, थ्री पे डिवाइड होगा तो हमारे पास सम आ गया। अब इस सम को हमने डिस्प्ले करवाना है थ्रू फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास आउटपुट फंक्शन है, प्रिंट एफ। पहले आते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डबल कोट स्टार्ट किया और स्टॉप किया, इसमें हम वैल्यू लिखेंगे कि द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इस परसेंटेज डी, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब जब वैल्यू हम इंटर करेंगे उसकी वैल्यू वो एस्टिमेट करेगा, देन वो हमें प्रोग्राम के बाद बताता है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, ए बी सी, उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो इन इसमें सेव है, एक सम में और एक एवरेज में। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके जो वेरिएबल है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, वो आ जाएंगे, ठीक है। इसको सॉरी लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, जो भी वेरिएबल जिसमें वैल्यू सेव होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि प्रिंट एफ फंक्शन यूज कैसे होता है। देखिए हम वैल्यू ली, उसका जो है वो फाइंड किया एवरेज, और उस अब ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। और उसके बाद ये आते हैं इसके आगे दो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें एग्जाम्पल आपने मस्ट करने हैं। तो ये इसका, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये इसका सेंटेक्स है, और ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें इसमें आपने लिखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगला इसका टॉपिक है हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन, इंशाल्लाह उससे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए